Hello guys, welcome back to the channel. So this is one of the most requested video I have been getting, like how do we attempt CVT ka paper and all. So I also gave CVT last month, which was in July, and I got all my 5 papers on 15th of July. So how do you attempt that is, once you get in, they like aapko bithaya jata hai aadhe ghante ke liye, sort of 25 minutes or 30 minutes aapko wahan bitha ke rakhte hain, and aapke screen pe aapko sab login details and all karna padta hai. Although aap pehle se login karke nahi baith sakte, because NTA ka rule hota hai pehle se nahi kar sakte. एंड थोड़े मोटे टेक्निकल ग्लिचेस जो भी है वो सॉल्व कर देते हैं स्टार्टिंग के आधे घंटे में. आपका मॉनिटर चल रहा है, नहीं चल रहा, की पैड, माउस, एवरी थिंग सॉर्ट ऑफ राइट. एंड वंस द पेपर स्टार्ट्स, आपने जो भी लॉग इन करा है, आप कोई भी रैंडमली चूज कर सकते हो. रैंडमली मतलब आप सेलेक्ट कर सकते हो आपको कौन सा भी पेपर, जौन सा भी आई मीन फर्स्ट देना है. लाइक मैंने फर्स्ट इकोनॉमिक्स करा था, क्योंकि इकोनॉमिक्स वॉज द टफेस्ट आउट वन देयर. तो मैंने कहा चलो इकोनॉमिक्स से करते हैं. आफ्टर इकोनॉमिक्स उसके बाद जो सब्जेक्ट्स आते हैं आप उसके बाद फिर चूज कर सकते हो. अच्छा सेकेंड पेपर आपको क्या देना है, लाइक फिजिकल देना है, आपको इंग्लिश देना है, आप कुछ भी चूज कर सकते हो राइट. तो उसमें प्रेफरेंस होती है, स्लॉट वाइज डिवाइडेड होता है. आपके स्लॉट में पता हो जाएगा आपको स्लॉट में कौन सा पेपर है, कितना पेपर है, तो आप उस हिसाब से देख सकते हो. अच्छा मेरे को पहला पेपर ये देना है, दूसरा पेपर ये देना है, तीसरा पेपर ये देना है. एंड आपने मॉक्स तो दिए होंगे, आपको पता होगा एवरी करेक्ट आंसर इज प्लस, मतलब जो भी मार्क प्लस 5 है, एवरी रॉन्ग आंसर के लिए -1. यू मस्ट हैव बीन नोइंग दैट. आपने मॉक्स दिए होंगे, एनटी के लगाए होंगे, बहुत सारे मॉक्स दिए होंगे राइट. एंड सो स्टार्ट विद द पेपर विच यू फील, लाइक मेरी स्ट्रेटेजी तो ये थी, इफ यू आर स्टार्टिंग अ पेपर, स्टार्ट विद अ पेपर यू फील विच इज मोस्ट टफेस्ट, बिकॉज पहले टफेस्ट पेपर हो जाएगा तो आराम से. अलग अलग लोगों की अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है. समर फीलिंग की हम इजी पेपर सबसे पहले लगाएंगे, कॉन्फिडेंस आएगा, फिर हार्ड पेपर पे जाएंगे. आई वाज लाइक कूल, पहले टफ पेपर लगा लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे इजी पेपर जाएंगे. आप जॉनसन में भी ज़्यादा कंफर्टेबल है, यू कैन जस्ट गो अहेड विद दैट. स्टार्टिंग में फर्स्ट राउंड में जो भी आपको सबसे पहले करेक्ट करेक्ट आता है जस्ट आंसर देम ऑल, पहले पहले टिक कर दो. अब सेकंड राउंड में आप जॉनसन में भी आप हो कि इसका हो जाएगा बट टाइम लगेगा, उसमें फिर जाओ. तीसरा में जब आपको कुछ आता नहीं है उसमें आप थुक्के लगा सकते हो, तब आप थुक्के लगाओ आई फील, क्योंकि एवरी करेक्ट आंसर देर इज प्लस 5 राइट. तो -1 तो एवरी रॉन्ग आंसर के लिए, तो थोड़ा सा खेल सकते हो राइट, थोड़ा रिस्क ले सकते हो ऑल दो. तो दिस वॉज माई स्ट्रैटेजी. आप कर सकते हो पहला टफ पेपर, फिर लास्ट तक इजी पेपर, ऑल दो जिसमें भी आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो, एंड आप पेपर डिसाइड कर सकते हो. एंड बीच बीच में एनटीए वाले आएंगे आपसे साइन मारने, आपको बहुत सारी फोटोज़ लेके जानी है क्योंकि वहाँ चिपकाने के लिए योर फिंगरप्रिंट एंड ऑल, एंड यू हैव टू साइन ऑल. तो मैं बोलूँगा 5-6 फोटोज़ लेके चले जाना, क्योंकि वहाँ अलग अलग, अगर आपका फर्स्ट स्लॉट है तो देख लेना. दोनों स्लॉट के लिए मैंने टोटल 6-7 फोटोज़ लेके आए थे. वो बार बार फोटोज़ मांगते हैं, आपको चिपकानी पड़ती है एंड ऑल, वहाँ पे थंब प्रिंट करना पड़ता है, साइन करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, फॉर्मेलिटीज़ होती है. एग्जाम के बीच में आ जाता है वो आपसे, यू हैव टू साइन एंड ऑल. एंड जैसे ही आपको लग रहा हो कि आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहे राइट, मेरे से इकोनॉमिक्स की स्टार्टिंग है 2-3 क्वेश्चन नहीं हुए थे, वो इज रियली कि क्या होगा, लाइक क्वेश्चन ही नहीं बन रहे राइट. एट द सेम टाइम यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, काम हो जाएगा, कोई नहीं. एंड ट्रीट ईच सेक्शन लाइक, अगर इंग्लिश का सेक्शन है गंदा चला गया, कोई नहीं, ट्रीट दिस सेक्शन कि ये एग्जाम गंदा गया, कोई नहीं, अगले एग्जाम में फोड़ देंगे राइट. सो ऐसे ऐसे आप सेक्शंस को ट्रीट, एग्जाम अलग अलग ट्रीट करो. एक एग्जाम गंदा गया, कोई नहीं, दूसरे एग्जाम में फोड़ देंगे. सो दिस इज अ स्ट्रेटजी यू मस्ट फॉलो, क्योंकि एक गंदा गया कोई दिक्कत नहीं है, आगे तो ईजी ईजी आएंगे, कोई तो आएगा जिसमें आप पेल लोगे अच्छे से राइट. सो दैट वॉज अ स्ट्रेटजी विच आई फॉलोड एंड दैट रियली वर्क फॉर मी. आपने भी जोन सा भी दिया होगा, यू मस्ट फॉलो दैट. आप एंड मोमेंट में चेंज मत करो. एंड ऑल दो बहुत सारी पोस्टमोर्टम एंड ऑल की न्यूज़ आ रही है, आप अपने प्रेपरेशन पे फोकस करो. एनटीए वाले ऑल दो थोड़े दिन पहले ही आपको बताएंगे कि कब एग्जाम होगा एंड ऑल दैट. एंड सो या, दिस वॉज द स्ट्रेटजी वीडियो. जैसे ही आपका पेपर खत्म हो जाएगा आपको बस सबमिट करना है एंड एवरीथिंग. एंड दूसरे बच्चों को मत देखना जो पहले सबमिट करके चले जाते हैं, और अपने पे फोकस करना. जैसे पेपर खत्म हो जाए आप रीचेक कर लेना, आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, तो आप 3 राउंड्स के बाद अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है फिर से रीचेक कर लो एंड ऑल दैट. सो दिस वॉज माई स्ट्रैटेजी. एंड इन केस यू ऑल्सो गेव CVT, आप कमेंट डाउन कर सकते हो आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी, आपने आपका एक्सपीरियंस क्या था, ताकि और बच्चों को हेल्प मिल जाए. सो हिट द लाइक बटन इफ एंजॉय द वीडियो, कमेंट डाउन योर व्यूज, सब्सक्राइब कर लेना, शेयर दिस वीडियो टू ऑल द एस्पिरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर CVT और जो देने वाले हैं, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम आर टीम. Thank you. Have a good day.